वेलकम दोस्तों, आपका मेरे किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पापड़ की चूरी। ये एक राजस्थानी डिश है, ये बहुत ही इजी सिंपल फटाफट से बन जाती है। जब घर में कुछ नहीं हो तो अगर पापड़ हो तो हम ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगेंगे 3 से 4 पापड़, थोड़ा सा घी लिया है मैंने, आधा कटा हुआ बारीक प्याज, धनिया, लाल मिर्च, नींबू नहीं है तो आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ एक डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारी राजस्थानी पापड़ चूरी। दोस्तों, पहले हम पापड़ को अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3-4 पापड़ का चूरी बनाने वाली हूँ। मीडियम फ्लेम पे आप सेक सकते हैं पापड़ को ताकि वो जल ना जाए। तो मैंने पापड़ को अच्छी तरह से सेक लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब हम इसका चूरा बनाएंगे। एक बाउल में हम एक एक करके पापड़ को ऐसे तोड़ देंगे। ये पापड़ मैंने घर में बनाए हैं, ऐसे करके हम इसका चूरा बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका बारीक, अच्छी तरीके से बारीक चूरा मैंने बना दिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आपको इसको 2-3 दिन रखना है फ्रिज में, एयर टाइट डब्बे में आप रख सकते हैं, तो फिर प्याज मत डालिए। इसके बाद हम थोड़ी सी, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ, आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं। पापड़ में तो पहले ही नमक होता है, लेकिन थोड़ा सा, ये भी ऑप्शनल है, थोड़ा सा डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून घी, ताकि सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हम घी डाल रहे हैं, तो हम इसको भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा चाट पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाट पाउडर अवेलेबल नहीं हो तो। मैंने इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लिया है। गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। तो हमारी ये बढ़िया सी चूरी तैयार हो चुकी है। आप इसे चाहे तो सफर में भी लेके जा सकते हैं, इसको लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं, एक टी टाइम स्नैक भी है। तो ये बहुत बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, तो आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट कर देना। और मुझे उन सारे दोस्तों को धन्यवाद करना है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।